हाय एवरीवन, बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजी फॉर ज्योग्राफी, हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। हमें ज्योग्राफी के लिए क्या अप्रोच अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी बनाएं इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, ठीक, सिलेबस क्या है, और उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक, तो चलिए एक एक करके पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हमें पढ़ना है इसमें और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये यहाँ पे प्रीलिम्स का यह जो है सिलेबस है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, एग्जैक्ट जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया गया है सेम वैसे है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या है? फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक, समझने की यहाँ पे जरूरत है, काफी कंसाइज वे में सिलेबस दे दिया है, लेकिन इसका काफी एस्पेक्ट जो है ब्रॉड है, इसको एक लाइन में लिखना यूपीएससी के लिए आसान है लेकिन पढ़ना है इतना आसान नहीं है। यह जो है काफी ब्रॉड इसका सिलेबस, इसे समझना बहुत जरूरी है, आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। अब मेंस का सिलेबस देख लेते हैं, यह है मेंस का सिलेबस ज्योग्राफी का स्पेशली। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी को हमें पढ़ना है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लोकेशन के लिए, इसके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ओके, एंड वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया, इंडिया को इंक्लूड करके नेचुरल रिसोर्स प्लस इंडस्ट्री, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना। जियो फिजिकल फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वेलकैनो का एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया, तो ये सब जो है एक जियो फिजिकल फिनोमेना है। ठीक, और जियोग्राफिकल फीचर ऑफ देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर जैसे वाटर बॉडीज, आइस कैप, ओके। उसके बाद फ्लोरा फौना और इसका इफेक्ट कैसे होता है ये समझना है। तो यह जो मेंस का सिलेबस है काफी ब्रॉड दे दिया गया है, काफी अच्छा है ताकि आपको चूज कर पाए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू नॉट, ओके। सो लेट्स सी द ट्रेंड एनालिसिस। अब हम इसके बाद सिलेबस देख चुके हैं, अब हम ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक, ट्रेंड एनालिसिस में यह है प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस, ओके, यह है प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड पॉइंट पे इंडियन ज्योग्राफी, फोर्थ पॉइंट पे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन आए हैं। टोटल कितने हुए, 10 क्वेश्चन आए हैं मीन्स ज्योग्राफी से। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 10th पॉइंट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी ज्योग्राफी में ही हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी से थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, ज्योग्राफी ही नहीं है। तो 13 क्वेश्चन ये हो गया, तो टोटल 23 क्वेश्चन आपका ये तैयार होगा अगर आप ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है ज्योग्राफी से कनेक्टेड रहता है, उसके साथ ही पढ़ा जाता है, ओके। अब देख लेते हैं मेंस का एनालिसिस, यह है ट्रेंड एनालिसिस मेंस का। ठीक, मेंस में आपका जीएस पेपर 1 में होता है ज्योग्राफी, 250 मार्क्स का, 85 मार्क्स का वेटेज रहा 2019 में, 2018 में 85 मार्क्स का, 2017 में 100 मार्क्स का। ठीक, 2020 का यहाँ नहीं हो पाया है, उसको आप देख लीजिएगा पेपर, मैं इंस्टाग्राम पे जो है पेपर अपलोड कर दूंगा फोटोज, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए हैं 25 मार्क्स का, और नेचुरल रिसोर्स से 1 क्वेश्चन आए हैं 15 मार्क्स का, और इंडस्ट्रीज से 2 क्वेश्चन आए हैं 20 मार्क्स का, और जियो फिजिकल फेनामिना अर्थक्वेक सुनामी वेलकैनो जैसी एक्टिविटी 1 क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, ओके। यहाँ पे जियोग्राफिकल फीचर और देयर लोकेशन 15 मार्क्स का है। ठीक, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 85 मार्क्स का वेटेज रहा है 2019 में, ओके। तो यह जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीएस पेपर 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ज्योग्राफी जो है एक एक्स फैक्टर हो सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, ओके। सो लेट्स सी फर्दर, यह है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, यहाँ पे ग्राफ से शो किया गया है, यह 6 क्वेश्चन आए हैं 2020 में, ओके। सो अब समझते हैं चलिए कि हमें ज्योग्राफी में बेसिकली स्टडी क्या क्या करना है। तो ज्योग्राफी को हम दो वे में स्टडी करेंगे,
पहला है यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। अब हमको यहाँ पे, मैंने आपको जो स्टार पॉइंट यहाँ पे लगाया था, आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाया है कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। तब इसको ध्यान में रखते हुए हमें समझना आगे, ठीक, वर्ल्ड का हमको क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी। हमें वर्ल्ड का ह्यूमन नहीं पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड का नहीं, हमको वर्ल्ड का सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक। वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें क्या पढ़ना है। वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम आगे वाले वीडियोज में आने वाले डिस्कस कर देंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद हमें पढ़ना है ओशियनोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंट जियोग्राफी, उसके बाद बायो जियोग्राफी, ठीक। तो हमें क्या पढ़ना है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, इन्वायरमेंट जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी। यह जो इन्वायरमेंट और बायो जियोग्राफी है, इसका कनेक्शन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से है, यहाँ समझने की जरूरत है इसको। हमें हमेशा ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ना है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कभी, ठीक। तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इतनी चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम सेपरेटली देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें स्टडी करनी है, ठीक। तो अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हमें दो एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, एक है फिजिकल एस्पेक्ट और एक है क्या, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स है एक, एक है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अभी कहां से मैंने लिया है वो तो दिखाते हैं, आप जो देखिए उसी पे भरोसा करिए, डोंट बिलीव ऑन माय वर्ड्स। यहाँ पे क्या है, फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हमें प्रीलिम्स में ही पढ़नी है, इससे ज्यादा बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। तब इसके अंदर क्या पढ़ना है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। सो लेट्स सी फिजिकल एस्पेक्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ओके। चलिए देखते हैं इसमें, अब हमें फिजिकल एस्पेक्ट में क्या क्या पढ़नी है, लेट्स सी। फिजिकल एस्पेक्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद सॉयल एंड वेजिटेशन, सॉयल एंड वेजिटेशन, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बोल लीजिए या फिर पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न, ओके। उसके बाद हमें पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओके, एंड मानसून। काफी ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है इसको भी हम देख लेते हैं, ओके। लेट्स सी, इसमें पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमें पढ़ना है एल नीनो एंड लानीना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए, ओके। उसके बाद हमें क्या देखना है, इंडियन ओशियन डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा नहीं। उसके बाद है मेडन जूलियन ऑसिलेशन, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक।
तो ये हमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया में तीन जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, तीन इम्पोर्टेंट फेनोमेना को पढ़ना है। ठीक, इसके अंदर भी और सारी चीजें हैं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया कितने प्रकार के होते हैं, तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। ओके, अब मुझे इसके आगे क्या पढ़नी है, इसके आगे हमें देखना है मिनरल एंड रिसोर्स, मिनरल एंड रिसोर्स। मैंने बोला है नेचुरल रिसोर्स से क्वेश्चन आया है मेंस में, ठीक आप देखे होंगे। उसके बाद हमें देखना है फिजियोग्राफी एंड फिजिकल सेटिंग, फिजियोग्राफी एंड फिजिकल सेटिंग। ओके, मैं जनरली बुक्स में फिजियोग्राफी पहले दिया हुआ है, और मैं क्यों इसको इसमें ऐड कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन यह है कि इसको जो है मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लास्ट में रहा हूँ, क्योंकि इतना इतना सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, तो हम ये सारे फेनोमेना को नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाता है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया हूँ, तो बेसिकली इतनी सारी चीजें हमें फिजिकल एस्पेक्ट्स में पढ़नी है। और फिजियोलॉजी का मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होकर, मैं इसके और इस थोड़ा सा इलाबोरेट देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें जैसे हो गया हमें हिमालय, प्लेट्यू, प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक, उसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें बेसिकली देखेंगे। ओके, तो जियोग्राफी का मतलब यही है। अब आता है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, क्या है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आया है। पॉपुलेशन, पैटर्न क्या है इंडिया का। ओके, पॉपुलेशन पैटर्न में हमें पढ़ना है सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, सारी चीजें, ठीक। उसके बाद आगे इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आगे मुझे देना है ट्राइब्स इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इसे, ट्राइब्स इन इंडिया, ठीक, ट्राइब्स इन इंडिया। हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है। सो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर लिया, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो गया जो हमने आपको डिस्कस किया, उसके बाद है फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट को हमने बता दिया क्या क्या पढ़ना है इसमें। उसके बाद है फिजिकल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इंडियन ज्योग्राफी में था, ठीक, फिजिकल एस्पेक्ट और सोशियो इकोनॉमिक्स इसमें था, हमने डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल बस हमें पढ़ना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। तो हमें बेसिकली ज्योग्राफी में ही सारी ही चीजें पढ़नी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, नो नीड टू स्टडी बियॉन्ड दिस। ओके, सिर्फ हमें इसके बीच से ही चीजें पढ़नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर और सारी सारी सब्जेक्ट्स के ऐसे ही स्ट्रेटजी और कैसे प्रिपरेशन करना है उसे जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप बोलिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।